हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे किस तरह आप अपने यूके का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं या फिर कहीं और का भी वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं VFS ग्लोबल के साथ। इंडिया में VFS वन स्टॉप सोल्यूशन है जो सारे वीज़ाज़ को प्रोसेस करता है। आपको कहीं पर भी जाना है, यूके, कैनेडा, USA, कहीं पर भी जाना है तो यूजली आपको VFS के थ्रू जाना पड़ता है, और USA के लिए शायद नहीं लेकिन मेजरली दूसरी जगहों के लिए जाना पड़ता है। तो VFS आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए और आप बहुत ज़्यादा पैसे उससे बचा सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली यूके का अपना वीज़ा अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया और वो स्टैम्प होकर लगकर आ भी गया मेरा वीज़ा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेनली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपके लिए हेल्प हो सके और आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकें। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पर मैंने लगभग, मेरे को 15 साल हो गए यूके वीज़ा अप्लाई करते हुए और ट्रैवल करते हुए, एंड यूके के अलावा भी बहुत जगह मैंने ट्रैवल किया है। तो जितनी भी जगह ट्रैवल किया है वहाँ का वीज़ा मेरे को हमेशा मिला है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो या समथिंग लाइक दैट। और सब मैंने खुद ही एप्लीकेशन लगाई है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं लगाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई हो गया है प्रोसेस और बहुत ईजिली आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप फैसिलिटीज़ खरीदेंगे तो आपके कम से कम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे वीज़ा में, जो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूके वीज़ा मैंने 6 मंथ टूरिस्ट वीज़ा लिया है जो 11,000 रुपये का, जो वीज़ा एम्बेसी के चार्ज है मैंने वो ही पे किया जिसमें VFS की फ़ीस इंक्लूड होती है। ये VFS में आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सर हम आपको एक ही दिन में वीजा डिलीवर कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रीमियम लाउंज एंड ऑल दैट। और ये भी करते हैं कि कोशिश ट्राई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फैसिलिटीज़ लें क्योंकि उनके पैसे बनते हैं उससे। और मैं रिकमेंड करूँगा, मैं नॉर्मल प्रोसेस से मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया स्मूथली, सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। मैंने पिछले हफ्ते थर्सडे को वीज़ा अपना अप्लाई करा था और बायोमेट्रिक्स करे थे, और आज 31st को मैंने 20th को अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट डेट मेरा 20th का था और 31st जुलाई को मेरे को ये वीज़ा मिल गया। तो और इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही वीज़ा की साइट पे अपलोड कर दिए थे, आप प्रोसेस भी आगे देख सकते हैं कि किस तरह किया है, मैंने सामने बनाया है। तो अगर इस इधर मैं आपको समझाऊं यूके वीज़ा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मेनली ये वेबसाइट है जहां पर आप सिंपली जा सकते हैं और इधर जाने के बाद स्टार्ट नाउ करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, और कंट्री सेलेक्ट करके आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है आप उधर कर सकते हैं। तो कहां से कर रहे हैं, जैसे हमने इंडिया से किया तो इंडिया यहां सेलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, टूरिज्म के लिए करना है, किस लिए करना है। तो इस तरह आप यूके की जो वेबसाइट है वहां से आप सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा फॉर्म फिल होने के बाद कि आप VFS की साइट पे जाएं और अपने बायोमेट्रिक्स करें। पहले हमको क्या होता था, अगर 10 साल पहले या 5-7 साल पहले भी बात करें तो वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के लेके जानी पड़ती थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, वो वहीं पर ही आपकी फोटो क्लिक कर लेते हैं और आपके पासपोर्ट पे जब वीज़ा स्टैम्प होता है वो लगकर आपको क्लियरली वहीं पर ही फोटो लग जाती है। तो आप बता सकते हो इसमें कि ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फैमिली मेंबर के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको GFW एक नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर जो आपका होता है उसी से सारी प्रोसेसिंग आपकी होती है। तो यूके वीज़ा आप इस तरह कर सकते हो। इसके बाद मेरा मेन पॉइंट आपको बताने का था कि VFS में आप जब कनेक्ट हो जाते हो तो इस तरह VFS का एक प्लेटफॉर्म खुलता है जहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट डिटेल्स देख सकते हो, जैसे मेरा आप इधर देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट डिटेल्स कहां की है, क्या अपॉइंटमेंट टाइम है, और एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन ट्रैक करने के टाइम आप ये सब देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, उसके साथ डिसीशन क्या मिला है आपको वो भी पता चल जाता है, और पासपोर्ट रेडी है या नहीं है, और डिलीवरी हो गई है या नहीं हुई है। तो आप मेरे पासपोर्ट में देख सकते हैं इधर कि डिलीवर्ड दिखा रहा है इधर, तो वो मेरे को प्रॉपरली मिल गया है। इसके साथ आगे बढ़े तो अब आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको ये प्रोसेस बता रहा है कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। सिंपली स्कैन करके मैंने इनको अपलोड करा है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा है। ये अपलोड करने के लिए आप सिंपली समझ सकते हो कि आपको किन किन सॉफ्टवेयर्स की किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें तो आपको एक ilovepdf.com है साइट जो मैं यूज़ करता हूँ कंप्रेस करने के लिए, जो भी PDFs अगर कंप्रेस करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट रहती है कि आपको 5 MB के नीचे नीचे ही जो स्टेटमेंट्स हैं या कुछ भी हैं वो डालने हैं। इसके साथ अगर देखेंगे तो जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा यूज़ करता हूँ, PDF जॉइनर भी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभार जैसे आप ITR वगैरह अगर डाल रहे हैं अपने फाइनेंशियल एविडेंस देने के लिए तो आपको वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखाएगा आपको,
भले ही वो पासवर्ड प्रोटेक्टिंग ना हो तो आप उनको क्या कनेक्ट कर सकते हैं, एक साथ कनेक्ट कर लीजिए उन अलग अलग फाइल्स को, जैसे तीन ITR दिखा रहे हैं आप, तो तीनों ITR को कनेक्ट करके उसको प्रिंट इन PDF कर लीजिए, तीन कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला फीचर उसका खत्म हो जाता है। तो ये दो एप्लीकेशन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और UK वीज़ा आपको स्टार्ट कैसे करना है, कौन से पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो भी ढूंढने में आपको कुछ टाइम लग जाता है, तो वो भी मैं नीचे दे दूंगा जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ ये चीज़ें हैं, आप सिंपली ये जो जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आज जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाले हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज़ डाली क्योंकि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने कुछ फोटोज़ डाल दी, जैसे वरमाला के टाइम की और शादी के, बस ऐसे खड़े हुए फोटोज़ वगैरह कुछ कुछ डाल दी जिससे कि एक एविडेंस मिल जाए उनको कि, और शादी का कार्ड डाल दिया तो उससे एक एविडेंस मिल जाता है कि हाँ जी ये मैरिड कपल है और जा रहा है ट्रैवल करने और ऑल दैट। इसके अलावा फाइनेंशियल एविडेंस के लिए मैंने अलग अलग चीज़ें और डाल दी, जैसे कि FD लगा दी एक दो एंड ऑल दैट, तो वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी और अपलोड करने के बाद इसको सिंपली सबमिट कर दिया। इसमें ये लिखा होता है कि 24 आवर्स के पहले पहले आपको अपलोड करना है आपके वीज़ा अपॉइंटमेंट के, तो ऐसा एक्चुअली है नहीं, 24 आवर्स के बाद भी मैं अपलोड कर पा रहा था डॉक्यूमेंट्स और मैंने किए, काफ़ी अर्जेंसी में मैंने अपलोड कर दिए क्योंकि मेरा 9:15 का अपॉइंटमेंट था, तो मैं कोशिश कर रहा था भाई 24 घंटे पहले तक कर दूं, और मैंने सब कुछ कर दिया अपलोड, लेकिन फिर भी मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ था अपलोड करने का, सो दैट वॉज नो प्रॉब्लम। इसके अलावा जो फीस की बात करें, अगर मैंने अपलोड किए सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरी वाइफ ने, रिया ने कुछ भी अपलोड नहीं किए, और उसने 1800 रुपीज़ की फ़ीस ली थी कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वहीं पर ही कर देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा वो पैसा हमारा बेकार गया बिना बात के। 1800 ये प्लस वो प्रीमियम लाउंज भी हमको सेल कर रहे थे जो 4000 रुपये का था, वो भी हमने नहीं लिया, और स्टार्टिंग में वो हमको ये भी क्लेम कर रहे थे कि सर अगर आप प्रीमियम लाउंज नहीं लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सेपरेटली जाएंगी और ये नहीं दिखाया जाएगा कि आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सो उससे आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और VFS वालों के पास कोई भी पावर नहीं होती कंट्रोल करने की कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा ऑनलाइन लिखा गया है, अगर इंटरनली कुछ है तो आई डोंट नो अबाउट दैट, तो VFS वालों के पास नहीं होती है। तो ऐसे चीज़ों में ना फंसे, और नॉर्मल प्रोसेस में हमको सिर्फ 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगे, हम गए डायरेक्टली नंबर आ गया, ऐसा भी नहीं था कोई प्रायोरिटी सर्विस, सुपर प्रायोरिटी थी नॉर्मल में भी, सो आपको प्रायोरिटी लाउंज लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसके वो 3700 पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे विच इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। हम वहाँ गए सीधा, हमारे एप्लीकेशन बंदे के पास गए, हमने एप्लीकेशन दी, सारे पेपर्स दिए, मेरे ऑलरेडी अपलोडेड थे तो मैंने कहा सारे अपलोडेड हैं, मेरे को कुछ करना नहीं है, तो उसने सिर्फ पासपोर्ट लिया मेरा और बोला ओके सर आपको ये स्लिप है आप ले लेना, और नॉर्मल में हमारे ऑटोमेटिकली हमने ज्वाइन कर दिए कि आपकी कॉमन एप्लीकेशन की तरह ही जाएगी, जो बाहर हमको बोल रहे थे कि सर आप 3700 इंडिविजुअली दे दो फिर आपकी कनेक्ट होकर जाएगी और प्रायोरिटी लाउंज में बैठ जाओ। सो ये सारी चीज़ें हैं, जो आप हल्का सा इंटेलिजेंट रहेंगे तो आप आराम से अपने कम से कम 20,000 रुपये तक बचा सकते हैं। तब भी उसने एंड तक हमको SMS सर्विस बेच ही दी 235 रुपये की, जो मैंने ले ली क्योंकि हम हर बार ही लेते हैं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। SMS सर्विस से ये फ़ायदा हो गया कि जैसे ही हमारा प्रोसेस होकर वीज़ा VFS के पास आ गया, UK एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेस होकर इसके पास आ गया VFS के पास, तो जैसे ही आया हमको मैसेज आ गया और अगले दिन ही जाकर मैंने उसको ले लिया, तो ये एक फ़ायदा था SMS सर्विस का। तो अगर नहीं चाहो तो जब बस ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, खुद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, इजीली आपके वीज़ा प्रोसेस होएगा, किसी एजेंट को 10,000-20,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। आप खुद अप्लाई करो, सारी स्टेटमेंट्स वगैरह लगाओ, ध्यान से लगाओ। भी मैंने वीडियो बनाई है जब पासपोर्ट मिल गया, कलेक्शन हो गया, तब भी मैं काफ़ी रिलीव्ड था, खुश भी हुआ कि भाई पासपोर्ट में वीज़ा लगकर आ गया है, क्योंकि मैंने पहली बार ही करा था तो मैं हल्का डाउटफुल था, लेकिन सिंस मैं इतनी बार कर चुका था पहले, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 बार मैं वीज़ा लगवा चुका अपना, तो उसके बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंट भी था कि वीज़ा लग जाएगा, मेरे को कोई इशू नहीं था। और दैट्स अबाउट इट, अगर कोई भी डाउट है तो मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऐसी भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड बनाई जो हेल्प करेंगे आपको एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, और अगर आप ध्यान से करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 जने अगर ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम 10,000 रुपये तो आप एक्स्ट्रा बचाओगे ही बचाओगे हर हाल में अगर आप खुद अप्लाई करते हो, और घर पे बैठ के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने स्कैन करके विच इज़ पीनट्स,
फ़ोन से स्कैन किया और स्कैन करने के बाद सिर्फ डाल दिए और आराम से वीज़ा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 10 दिन के अंदर मेरा वीज़ा मिल गया, ट्रैवल वीज़ा, लेकिन उसमें लिखा होता है कि मिनिमम 15 दिन लगते हैं ट्रैवल वीज़ा में। अगर आप लंबे स्टे के लिए रहना चाहते हो तो जैसे मैंने 6 महीने के लिए 11,000 रुपये दिए हैं रहने के लिए, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। मैंने ये भी चेक किया था, अगर 3 साल का वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो वो 77,000 मांग रहा था, लेकिन मेरे को फिर वो रेलिवेंट नहीं लगा।